आज हम आपको वास्तविक संख्या निकाय रियल नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि हम धनात्मक संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं किन्हें कहते हैं। धनात्मक संख्याएं वे होती हैं जो शून्य से बड़ी होती हैं तथा ऋणात्मक संख्याएं वो होती हैं जो शून्य से छोटी होती हैं। आप लोगों ने क्षेत्र के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा होगा। क्षेत्र एक अरिक्त समुच्चय होता है जिसमें कम से कम दो अवयव होते हैं तथा उसके अंदर दो द्विआधारी संक्रियाएं योग व गुणा परिभाषित होती हैं। क्षेत्र कहलाती है यदि एफ में ये 11 गुण संतुष्ट हों, 5 प्लस के लिए तथा 5 इंटू के लिए और 1 बंटनता नियम। याद होगा आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ। ये पांचों प्रॉपर्टी प्लस के साथ और इनटू के साथ अलग अलग सेटिस्फाई होनी चाहिए तथा साथ में बंटन नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी का नियम का पालन होना चाहिए। यदि ये 11 प्रॉपर्टी संतुष्ट होती हैं तो हम उसे एक क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र में शून्य अवयव जो होता है वो शून्य अवयव कहलाता है इसका, और वन गुणात्मक तत्समक अवयव कहलाता है। अब मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ हम सबसे पहले एक पॉजिटिव प्लस के बारे में जानना चाहेंगे। धनात्मक वर्ग किसे कहते हैं? यदि कोई दो संख्याएं ए और बी किसी समुच्चय पी के अवयव हैं जहां पी क्षेत्र एफ का उपसमुच्चय है, सबसेट है, तो ए प्लस बी भी पी में होगा तथा ए इंटू बी भी पी के अंदर होगा। ये हमारी पहली शर्त है। और दूसरी बात कि प्रत्येक ए जो जीरो के बराबर नहीं है वो यदि एफ में है, तो यदि ए पी में है तो माइनस ए भी पी में होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि संख्या धनात्मक है तो वह तो पॉजिटिव क्लास में होगी ही, पर यदि क्षेत्र की संख्या ए ऋणात्मक है तो उसमें एक माइनस साइन लगाने पर वो संख्या धनात्मक हो जाएगी, तो वो पी का अवयव होगी। इस प्रकार से ये जो पॉजिटिव क्लास है ये क्षेत्र एफ का सबसेट होता है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्रम अभिग्रहित क्या होते हैं, ऑर्डर एक्जियम्स क्या होते हैं। त्रिविभागी नियम पहला नियम है ऑर्डर एक्जियम्स का, जिसको इंग्लिश लॉ कहते हैं। ट्रिकोटोमी लॉ के अंदर आपको ये बताया गया है कि यदि ए और बी दो क्षेत्र एफ के अवयव हैं तो इन तीन स्थितियों में से कोई एक ही सत्य होगा। वो शर्तें क्या हैं कि या तो ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से, या ए बराबर होगा बी। इन तीनों में से एक बात ही सत्य होगी। दूसरा नियम संक्रामक नियम है। संक्रामक नियम के अंदर किसी क्षेत्र के तीन अवयव लिए जाएंगे, ए बी और सी। यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ए भी बड़ा होगा सी से। नियम को अगर हम उल्टा कर दें कि यदि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से तो ए छोटा होगा सी से, ये संक्रामक नियम कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा
प्रॉपर्टी है। तीसरा जो गुण है वो है योज्य एकदिष्ट नियम यानी मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन। इसके अंदर ये बताते हैं कि यदि ए बी और सी कोई तीन अवयव हैं क्षेत्र एफ के इस प्रकार कि ए बड़ा है बी से, तो ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस सी से, ठीक है। इसी प्रकार से गुणात्मकता के लिए गुणन एकदिष्ट नियम मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए बी सी यदि तीन अवयव हैं एफ के और ए बड़ा है बी से, तो ए इंटू बी बड़ा होगा बी सॉरी ए इंटू सी बड़ा होगा बी इंटू सी से, जहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सी है। अब आपको ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में बताते हैं। अभी मैंने आपको जो चार नियम बताए, जिसमें सबसे पहला लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी, दूसरा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तीसरा मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, चौथा मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि ये चारों गुणधर्म अगर किसी क्षेत्र में संतुष्ट होते हैं तो हम उस क्षेत्र को ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। अब हम आगे चलें। एक थ्योरम है कि यदि x, y और z किसी क्रमित क्षेत्र f के अवयव हों और y is greater than z हो, तो x is greater than z होगा, ठीक है। x is greater than z, x is greater than y, देखिए मैंने ये लिखा है यहाँ पर x, y और z ये f के अवयव हैं। यदि y इस प्रकार के अवयव हैं ये कि x या तो y के बराबर होगा या x बड़ा होगा y से या एक y बड़ा होगा x से, दो अवयवों की तुलना करेंगे तो। अब हमने मान लिया कि f हमारा मान क्या लिया, दिया ही हुआ है हमको कि f एक क्रमित क्षेत्र है, तो इसमें एक पॉजिटिव क्लास विद्यमान होगा जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, जो P सबसेट होता है f का। हमने तीन अवयव लिए x, y, z जो f के मेंबर हैं, और इस प्रकार से लिए कि x is greater than y है तथा y is greater than z है। अब ध्यान दें, x is greater than z हमें प्रूव करना है। आप पहली इक्वेशन से देखें, x is greater than y, इसका मतलब ये हुआ कि x minus y is greater than 0, it means x minus y belongs to P, positive class। इसी प्रकार से यदि y बड़ा है z से, तो y minus z P के अंदर ही होगा, क्योंकि y minus z का मान धनात्मक है और हर धनात्मक संख्या कहाँ मौजूद होती है, P में। तो हमने P के अब दो अवयव लिए, x minus y P के अंदर है, y minus z P के अंदर है, तो इन दोनों धनात्मक संख्याओं का जोड़ भी एक धनात्मक संख्या होगी, लिहाजा x minus z भी P का अवयव होगा। x minus z अगर P का है तो ये निश्चित है कि x बड़ा है z से, इसीलिए उसका मान देखा कि x is greater than z, हमने ये सिद्ध कर दिया। मैं एक दूसरी थ्योरम के बारे में बताता हूँ आपको। क्रमित क्षेत्र f के उपसमुच्चय p का प्रत्येक अवयव शून्य से बड़ा होता है। आप लेके चलें, f एक क्रमित क्षेत्र है, f में धनात्मक वर्ग p विधि का अवयव है, यानी a ग्रेटर देन जीरो है, तो जीरो f में होता ही है, शून्य तत्समक अवयव है, इसलिए किसी a belongs to p के लिए a belongs to f भी होगा, और a minus 0 p का मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि शून्य एक धनात्मक संख्या ही होती है।
तो ए पॉजिटिव है, ज़ीरो पॉजिटिव है, इसलिए ए माइनस ज़ीरो भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ए बड़ा है ज़ीरो से। यहाँ ये बात सिद्ध होती है। अब हम आगे बताएंगे कि दूसरी थ्योरम में क्रमित क्षेत्र एफ के शून्य से सभी अवयव पी के अवयव होते हैं। हाँ, ये है। अवयव होते हैं। मान लिया हमारे पास एक क्रमित क्षेत्र है F, एक धनात्मक वर्ग जिसमें P विद्यमान है, A ग्रेटर देन ज़ीरो है, A F का मेंबर है, तो निश्चित रूप से A P का भी मेंबर होगा क्योंकि A पॉजिटिव है। फॉर एनी A बिलोंग्स टू F, A इज ग्रेटर देन ज़ीरो, A माइनस ज़ीरो निश्चित रूप से P का मेंबर होगा, इसलिए A P का भी मेंबर होगा। ये एक छोटी सी थ्योरम थी। आपने देखा कि हमने ये बताया कि प्रत्येक धनात्मक अवयव जो F में विद्यमान है वो P के अंदर भी विद्यमान है। एक और थ्योरम लेते हैं। यदि F एक क्रमित क्षेत्र है तथा X, Y और Z और T ये सब F के मेंबर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि X जो पहला पार्ट है, इसके कई पार्ट हैं, उसमें से हमें जो A पार्ट सिद्ध करना है कि यदि X ग्रेटर देन ज़ीरो है तो माइनस X लेस देन ज़ीरो होगा। इसको हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि माना x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, अतः इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हमने माइनस x जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र का अवयव है, क्षेत्र में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान होता है, तो यदि x f में है तो माइनस x भी f में होगा, इसलिए x प्लस माइनस x बराबर या ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो प्लस माइनस एक्स होगा। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स प्लस माइनस एक्स बराबर ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो बड़ा हो गया माइनस एक्स से, यानी कि माइनस एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। दोबारा से इसी बात को करें कि यदि माइनस एक्स लेस देन ज़ीरो है तो माइनस एक्स में एक्स जोड़ दिया तो ज़ीरो में भी एक्स जोड़ दिया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो हो गया, ज़ीरो इज लेस देन एक्स हो गया, अर्थात एक्स ज़ीरो से बड़ा है। तो दोनों बातों दोनों तरफ से सिद्ध करने पर ये सिद्ध हो रहा है कि यदि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो माइनस एक्स लेस देन ज़ीरो होगा। दूसरा पार्ट देखें इसका कि यदि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एक्स इनवर्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और यदि एक्स इनवर्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो x भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। x अगर ज़ीरो नहीं है तो ये बात बहुत आसानी से सिद्ध की जा सकती है कि देखिए x इनवर्स, x तो ग्रेटर देन ज़ीरो है और हमने मान लिया कि x इनवर्स इज लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इंटू एक्स इनवर्स इज लेस देन x इंटू ज़ीरो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन, वन इज लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कभी संभव नहीं है, एक सदैव ज़ीरो से। और यहाँ क्या आया हमारा आंसर कि एक छोटा है या बराबर है किससे, ज़ीरो से। तो हमारी मान्यता गलत थी, हमने क्या मान लिया था कि एक्स इनवर्स लेस देन ज़ीरो है, अतः क्या होना चाहिए, एक्स इनवर्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसी बात को आप नेगेटिव साइड में लेके तो उसको भी प्रूव किया जा सकता है, आसानी से देख लें। इसका एक और पार्ट है कि यदि एक्स ग्रेटर देन वाई है तथा जेड ग्रेटर देन टी है, ठीक है, तो इसके अंदर
हमको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि x प्लस जेड इज ग्रेटर देन y प्लस टी होगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन y, तो x प्लस जेड इज ग्रेटर देन y प्लस जेड होगा, ये इक्वेशन नंबर वन हो गई। दोबारा में कहा आपने कि z इज ग्रेटर देन t, तो y प्लस जेड ग्रेटर देन y प्लस टी होगा, इसे इक्वेशन नंबर दो कह देते हैं। पहले और दूसरे में एक और दो इक्वेशन से x प्लस जेड इज ग्रेटर देन y प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। कैसे हो जाएगा ये, हमको दे रखा है कि x प्लस जेड इज ग्रेटर देन, z बड़ा है t से और x बड़ा है y से, तो x प्लस जेड बड़ा होगा y प्लस टी से, ठीक है। एक पार्ट और है इसका, डी पार्ट, x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यदि x f का मेंबर है तो x इज ग्रेटर देन जीरो और x बराबर जीरो और x इज लेस देन जीरो, ये तीन में से एक बात सत्य होगी क्योंकि f आपका ऑर्डर्ड फील्ड दिया हुआ है। यदि x बराबर जीरो ले लिया जाए तो प्रमेय स्वयं सिद्ध है क्योंकि x इंटू x बराबर x इंटू जीरो, इसलिए x स्क्वायर बराबर जीरो। यदि x इज ग्रेटर देन जीरो ले लिया जाए तो x इंटू x इज ग्रेटर देन x इंटू जीरो, इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज ग्रेटर। और यदि x लेस देन जीरो है तो फिर इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू x इज ग्रेटर देन जीरो इंटू x हो जाएगा, यानी x स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तीनों ही स्थितियों में x स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा, यानी एक अवयव जो फील्ड के अंदर मौजूद है उसका वर्ग सदैव जीरो से बड़ा होता है। एक पार्ट और इसमें है कि यदि x इज लेस देन y है और z इज ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोडक्ट में आपको x इंडिया आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। इस पार्ट को प्रूफ करना आसान है क्योंकि x इज लेस देन y है तो ग्रेटर देन x लिखा जा सकता है, इसलिए y में माइनस x जोड़ेंगे तो x में माइनस x जोड़ेंगे, इसलिए y माइनस x इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब y माइनस x जीरो से बड़ा है तो इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हम z से मल्टीप्लाई कर दें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इनको खोल दें, तो वाई जेड माइनस एक्स जेड इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यानी वाई जेड इज ग्रेटर देन एक्स जेड हो जाएगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एक्स जेड इज लेस देन वाई जेड, और हमको यही सिद्ध करना था। इस तरह से आपने देखा कि ये छोटी छोटी सी थ्योरम्स थीं फील्ड के अंदर पॉजिटिव क्लास और ऑर्डर्ड फील्ड को लेकर के। इसके आगे हम कल कुछ और थ्योरम्स और कुछ नियमों के बारे में आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।